शिक्षा महाविद्यालय में 15 दिवसीय वैल्यू एडेड प्रोग्राम कम्युनिकेशन स्किल का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम पर किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को डॉक्टर सलीम अकील द्वारा स्पोकन इंग्लिश पर हुई कार्यशाला में अनुभव बताया गया। सेठ बद्दीलाल शिक्षा महाविद्यालय में 15 दिवसीय वैल्यू एडेड प्रोग्राम कम्युनिकेशन स्किल का आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम पर किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के प्रोफेसर द्वारा छात्र छात्राओं के बीच पहुंच कार्यशाला में अपना अनुभव बताया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को स्पोकन इंग्लिश कार्यशाला में पहुंचे डॉक्टर सलीम अकील ने स्पोकन इंग्लिश कार्यशाला का संचालन कर उपस्थित छात्र छात्राओं को इंग्लिश बोलने लिखने को लेकर प्रशिक्षण दिया। गौरतलब है कि स्पोकन इंग्लिश पर चलते 7 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्र प्राध्यापकों के बीच अंग्रेजी बोलने का भय दूर करना है। अंग्रेजी माध्यम के छात्र अध्यापकों को वो भी स्पोकन इंग्लिश में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। इस 7 दिवसीय स्पोकन इंग्लिश की कक्षाओं के माध्यम से छात्र प्राध्यापकों के अंग्रेजी बोलने की झिझक को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी वैल्यू एडेड कार्यक्रम प्रभारी अर्चना तिवारी एवं अर्चना षडंगी ने दी। इस संबंध में न्यूज टीम को भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिक्षा महाविद्यालय में वैल्यू एडेड प्रोग्राम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि लगातार 15 दिन। इसके प्रथम सत्र में हमने बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन करने में किस किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं उसको दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन इसके पश्चात हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज 7 दिन की शहर के जाने माने सर सलीम अकील सर के द्वारा उनको, ताकि हम बच्चों को जो झिझक है, जो उनके लिए इंग्लिश न बोलने के कारण आत्मविश्वास की जो कमी आती है, 15 दिन स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स पे छात्रों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। एक सप्ताह का कार्यक्रम हमारा ऑनलाइन था, जिसमें बाहर के भी जो विचारक थे वो जुड़े थे, और अभी इसका जो है एक सप्ताह का है वो कम्युनिकेशन स्किल पे सलीम अकील सर जो है वो ये वाला प्रोग्राम दे रहे हैं। किस तरह की शिक्षा मिल रही है बच्चों को? इसमें बच्चों को इसके माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है। आजकल जो है वो इंग्लिश हर जगह हर डिपार्टमेंट में कंपलसरी है, और हम ये कहते हैं कि क्षमताएं बच्चों के अंदर स्वतः निर्मित होती हैं, गाइडलाइंस की जरूरत होती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बोलने में झिझकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।